आज शासन प्रशासन और विधायक के ऐतिहासिक 100 वर्ष पूरे करने वाले राज्य के लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में यह अपने किस्म का अनूठा अवसर है जब हम अपने कार्य व्यापार से इतर एक आवश्यक और मौलिक विषय तनाव मुक्त जीवन जीने की कला को आत्मसात करने हेतु एकत्र हुए हैं। राजयोगिनी उषा दीदी जी के श्रीमुख से होने वाले उद्बोधन की संगोष्ठी को रखा गया है। माननीय सदस्यगण, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति जीवितम, यानी चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को। आज इस पवित्र सदन में राजयोगिनी उषा दीदी जी के इस बहुयोगी उद्बोधन संगोष्ठी के आयोजन के पीछे यही उद्देश्य है कि जहाँ से कुछ सार्थक बातों को ग्रहण कर हमारी विधायिका के सजग प्रहरी, हमारे विधायक स्वस्थ और तनाव मुक्त रहें। जब हमारे विधायकगण तनाव और चिंता से मुक्त होकर कार्य कर पाएंगे तो जन अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा और हमारी विधायिका ज़्यादा जनोन्मुखी हो पाएगी। हमारा मनुष्य का गुण धर्म कौन सा है? तो हर एक मनुष्य का गुण धर्म जो उसकी चाहना है, हम सब की चाहना क्या है? कोई भी धर्म, जाति, भाषा, देश का व्यक्ति हो, हर इंसान अपने जीवन के अंदर क्या चाहता है? हर इंसान अपने जीवन के अंदर शांति चाहता है, प्रेम चाहता है, खुशी चाहता है, सुख चाहता है। कोई है जो कहे हमें सुख की जरूरत नहीं है? कोई है जो कहे कि हमें खुशी की जरूरत नहीं है, आनंद की जरूरत नहीं है, प्रेम की जरूरत नहीं है? हर इंसान को प्यार चाहिए, एक बच्चे को भी प्यार चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करता है तो अच्छा लगता है। ये हमारा एक गुण धर्म है जिसकी चाहना हर इंसान करता है, लेकिन पाए कैसे? पाने का तरीका जब मालूम नहीं तो नकारात्मक तरीके को ही आधार बना लिया। हम सभी को डिस्चार्ज बैटरी नहीं बनना है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी के ऊपर है और इन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर चार्ज बैटरी बनकर के चले, हर बात को नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी होता है और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी होता है। अगर नेगेटिव पर्सपेक्टिव को अपनाया जाए तो शायद सबका तनाव बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन ये हमारी बैटरी को बहुत ज्यादा ड्रेन करेगा, क्योंकि इतने नेगेटिव विचारों का निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अगर अपनाया जाए तो शायद सारी सिचुएशन को ही हम चेंज कर सकते हैं। और आज सारे संसार के लिए एक ऐसा उदाहरण तैयार कर सकते हैं। हाँ भाई, बिहार की असेंबली ऐसी है जहां कोई भी बात अगर आती है तो उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ लिया जाता है, जिससे उन्नति होती है, डेवलपमेंट होता है और उसी से जीवन के अंदर सुख शांति बनी रहती है। राजयोगिनी बहन उषा दीदी
के माध्यम से हम लोगों ने थोड़ा सा अनुभव किया और हम सभी माननीय सदस्य अपने को जानने का, इस आत्मा को पहचानने का जरूर इच्छा रखते हैं क्या? तो सबकी सहमति हम लोग बनाकर निश्चित तौर पर आपके आमंत्रण और आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। बिहार पहले भी अध्यात्म का केंद्र रहा है और ये अध्यात्म का केंद्र का प्रकाश जहाँ भी होगा हम वहाँ जाकर ग्रहण करेंगे। हम आप सबों के उस पवित्र स्थल को नमन करने के लिए ये 23 सितंबर से 27 सितंबर के बीच होगा। हमारा सदन भी शुरू हो रहा है, संसदीय कार्य मंत्री जी, सभापति महोदय, सभी प्रमुख लोग हैं। इसको साकार करने का, आपके स्नेह आपके आशीर्वाद को प्राप्त करने का जरूर प्रयास करेंगे। फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम्बर दाम मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे